और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे थे झारखंड के चुनावी दंगल में। आज एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी के दाव पेच देखने को मिलेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज दो जगहों पर चुनावी सभाएं करेंगे, एक खूंटी और दूसरा जमशेदपुर। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे चलते हमारे संवाददाता के पास। जमशेदपुर से हमारे संवाददाता प्रभात बने हुए हैं और रांची एयरपोर्ट से हमारे संवाददाता अंजनी बने हुए हैं। हम दोनों से बात करेंगे, तो सबसे पहले अंजनी के पास चलते हैं। अंजनी, आज पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर झारखंड दौरे पर है, क्या कुछ उनके सुरक्षा के लिए एयरपोर्ट व्यवस्था की गई है और कितने बजे तक उनके आने की संभावना है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आगमन होगा और इसको लेकर जो है यहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, क्योंकि पीएम की जो सुरक्षा होती है वो कई लेयरों में होती है और चुनावी मौसम है और जहाँ सेकेंड फेज के इलेक्शन होने हैं 20 विधानसभा क्षेत्रों में, मतलब 20 सीटों के लिए वोटिंग डाले जाएंगे 7 दिसंबर को। और ये बीजेपी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि बीजेपी ने नारा दिया है 65 पार का, और अभी यदि हम 2014 का जो रिजल्ट्स है यदि उस पर हम बात करेंगे पुनीता, तो इसमें 20 में जो है 8 सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ में थी और 8 सीट जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाथ में थी और 2 सीट जो है आसू के हाथ में थी। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस है कोल्हान जो क्षेत्र है वहाँ फोकस है और दूसरा संथाल परगना का क्षेत्र फोकस किया हुआ है। तो अब बीजेपी चाहती है कि कोल्हान में जो 20 सीटें हैं तो मैक्सिमम सीट हम कैसे जीते, तो इसी क्रम में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है और खूंटी में जनसभा को संबोधित करेंगे और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जो है अर्जुन मुंडा वो मौजूद रहेंगे, कन्हैया मुंडा रहेंगे। इसके साथ साथ झारखंड में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं लक्ष्मण गिलुआ वो मौजूद रहेंगे और इसके साथ साथ ये 7 तारीख को जहाँ इलेक्शन होने हैं और 12 दिसंबर को रांची में, इन तमाम क्षेत्रों में के जितने जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो खूंटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच साझा करेंगे और वहां से ये जरूर संबोधन होगा कि आप हमारे प्रत्याशी को जिताएं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि खूंटी में जहां जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद वहां से वो जमशेदपुर के लिए रवाना होंगे और जमशेदपुर का जो गोपाल मैदान है या रीगल मैदान कहा जाता है, तो वहां वो 1:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये जो जनसभा है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिस तरह से जमशेदपुर पूर्वी सीट जो है वहां से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं और उनके साथ जो विपक्ष की हम बात करेंगे तो सरयू राय चुनावी मैदान में है। तो ये कोल्हान का जो क्षेत्र है काफी महत्वपूर्ण है, इसमें कई मंत्री चुनावी मैदान में हैं और इसके साथ साथ कई विधायक चुनावी मैदान में हैं। तो वैसे में देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन होगा वो वोटरों के लिए कितना लाभदायक होगा। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तो वहीं पर जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है रांची की बात करें, खूंटी की बात करें या जमशेदपुर की, तो पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था बहाल की गई है और कई लेयरों में पीएम की सुरक्षा होती है पुनीता। चलिए अंजनी, हम आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ जमशेदपुर से हमारे संवाददाता प्रभात बने हुए हैं। प्रभात, आज पीएम नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा जमशेदपुर में होने वाली है, क्या कुछ वहां पर फिलहाल नजारा देखने को मिल रहा है, क्या कुछ गहमा गहमी फिलहाल वहां देखने को मिल रही है? बिल्कुल पुनीता, जिस तरीके से अंजनी जी ने बताया कि सबसे पहले खूंटी में प्रधानमंत्री का सभा होना है, खूंटी के बाद जमशेदपुर पहुंचेंगे, करीब करीब 1 से 1.5 के बीच में जमशेदपुर पहुंचेंगे। और मैं अपने दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूं, ये देखिए, ये वही गोपाल मैदान है, इसे रिगल मैदान भी कहा जाता है और बीच में प्रधानमंत्री का मंच बना है जहां वो कार्यकर्ताओं को, लोगों को संबोधन करेंगे। साथ ही साथ अगर हम सुरक्षा की बात करें तो 8 SP लगाए गए हैं,
25 डीएसपी लगाए गए हैं और 90 मजिस्ट्रेट और 2000 से अधिक जवान लगाए गए हैं। चप्पे चप्पर पर जवान को लगाया गया क्योंकि प्रधानमंत्री का जो सुरक्षा होता है कई लेयरों में होता है और सुबह से ही जो जिस रास्ते प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे उस रास्ते को सुबह से ही ब्लॉक कर दिया है। जब तक प्रधानमंत्री का संबोधन नहीं खत्म होता है तब तक रास्ते ब्लॉक होंगे। जो ट्रैफिक के रूल्स है वो बताए जा रहे हैं लोगों को और जो ट्रैफिक का जो रास्ता है वो चेंज कर दिया गया है। और अब ये देख सकते हैं ये सुरक्षा कर्मियों को जो वरीय पदाधिकारी है उन्हें समझाया जा रहा है कि किस तरीके से लोगों को कहाँ से एंट्री कराना है। कई गेटे बनाए गए हैं, साथ साथ अगल बगल जितने फ्लैट्स है वहाँ पे सुरक्षाकर्मी को तैनात किया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री का सभा होना है। निश्चित है कई लेवरों में प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा में रहता है। जब प्रधानमंत्री जब यहां पहुंचेंगे मंच में संबोधन होंगे तो प्रधानमंत्री के साथ में राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास रहेंगे, साथ ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ, साथ ही चुनाव प्रभारी ओम माथुर, असा प्रभारी नंद किशोर यादव, धर्मपाल सिंह और सुरेश पुजारी जो उड़ीसा के सांसद है, साथ ही जमशेदपुर के सांसद रहेंगे। और एक चीज मैं बता दूं कि जो कोल्हान के 14 भाजपा के प्रत्याशी है वो भी इस मंच में रहेंगे जब प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। निश्चित है कि जमशेदपुर में ये कहा जा रहा है कि अगर ये कहा जाए कि भाजपा का ये मेगा शो है, बड़ी सभा है प्रधानमंत्री का, यहाँ से प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को और जनता को संबोधन करेंगे। ये यही वही मैदान है। देखिए सारी ओर में सुरक्षा दृष्टिकोण से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है और जब ये पहुंचेंगे तब तक पूरे जो रास्ते हैं एयरपोर्ट से लेकर गोपाल मैदान के रास्ते को बंद कर दिया गया है। जी पुनीता, तो यानी सुरक्षा को लेकर पूरे इंतजाम किए जा चुके हैं। प्रभात आपके पास वापस लौटेंगे, अंजनी आपके पास भी वापस लौटेंगे, फिलहाल यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि आज चुनावी झारखंड के चुनावी दंगल में पीएम नरेंद्र मोदी की दो चुनावी सभाएं हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रांची एयरपोर्ट से अंजनी बने हुए हैं, तो वहीं जमशेदपुर से हमारे संवाददाता प्रभात बने हुए हैं। हम एक बार फिर अंजनी के पास चलते हैं। अंजनी, आज पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन है, एयरपोर्ट पर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए जा चुके हैं? और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जब एयरपोर्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद जब पहुंचेंगे तो उनके स्वागत के लिए कौन से नेता और कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहेंगे? देखिए यहाँ नरेंद्र मोदी जो हैं लगभग 10:30-11 बजे पहुंचेंगे। जो सही समय है वो नहीं बताया गया है क्योंकि सुरक्षा एक बड़ी वजह मानी जाती है। और आपको ये बता दें कि जो झारखंड के प्रभारी जो हैं ओम माथुर वो एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, तो वो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा जो रांची की जो मेयर है मेयर जो है वो यहाँ मौजूद रहेंगी और इसके अलावा कई गणमान्य लोग यहाँ मौजूद रहेंगे। तो ये एक मतलब बड़ी सभा मानी जा रही है और ऐसे में जहाँ आप सुरक्षा की बात की है तो सुरक्षा व्यवस्था जो है काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और कई लेयरों में प्रधानमंत्री की सुरक्षा होती है। जो पहली जो सुरक्षा होती है वो एसपीजी की होती है, जो एसपीजी के घेरे में प्रधानमंत्री होते हैं और वो जो घेरा होता है कोई उसको पार नहीं कर सकता है, तो काफ़ी अलग व्यवस्था होती है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जब यहाँ बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुँचेंगे तो वो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से बाहर नहीं आएंगे, वो अंदर ही जो है तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे और फिर वहाँ वायु सेना के हेलीकॉप्टर से जो है वो खूंटी के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री जब भी चलते हैं तो वायु सेना का हवाई जहाज होता है और हेलीकॉप्टर भी जो होता है वो वायु सेना का होता है क्योंकि तमाम सुरक्षा व्यवस्था जो है वायु सेना के विमान में मौजूद होती है। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पे कहीं से भी सवाल खड़े नहीं हो सकते हैं। और धीरे धीरे जो वीआईपी मूवमेंट होगा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे मूवमेंट जरूर होगा। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री जो है जमशेदपुर में है, वो अपनी चुनावी सभा को में लगे हुए हैं, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री जब जमशेदपुर पहुंचेंगे सोनारी एयरपोर्ट तो वहाँ मुख्यमंत्री जो है वहाँ मौजूद रहेंगे। और खूंटी में जो है ये जो केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, कड़िया मुंडा, पूर्व जो ये रहे सांसद रहे हैं कड़िया मुंडा, तो वो वहाँ खूंटी में मौजूद रहेंगे।
तो ये तमाम जो चीजें हैं वो इन चीजों को लेकर बीजेपी में काफी उत्साह है, क्योंकि प्रधानमंत्री के आने से जो है बीजेपी में काफी कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ गया। दिग्गज बीजेपी के लिए वोट भी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। हम वापस जमशेदपुर चलेंगे, प्रभात हमारे साथ बने हुए। प्रभात, अगर हम बात करें आपने सुरक्षा के, तो सारे इंतजाम दिखा दिए कि चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं सुरक्षा के। अगर हम बात करें जमशेदपुर सीट की, तो यहाँ पर जो है मुकाबला काफी दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ से सीएम रघुवर दास, हम जमशेदपुर पूर्वी की बात करें तो लगातार 5 साल से वो इस सीट पर विधायक बनते आ रहे हैं और छठी बार वो चुनावी मैदान में हैं। लेकिन इस बार जो है उनकी राह आसान नहीं है, क्योंकि खुद उनके ही सरकार में मंत्री रहे सरयू राय उनके सामने ताल ठोक रहे हैं। बिल्कुल आपने पुनीता सही कहा, जिस तरीके जब से चुनाव की घोषणा हुई है और जब से जो उनके कैबिनेट के मंत्री सरजू राय ने ये कहा कि पूर्वी से हम चुनाव लड़ेंगे, ये कहा जा रहा है कि पूरे कोल्हान में अगर बात करें, अगर झारखंड की बात करें, सबसे हॉट सीट, क्योंकि मुख्यमंत्री के खिलाफ उनके ही कैबिनेट के मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। ये जमशेदपुर में चर्चाएं भी काफी गर्म है कि दोनों की, मतलब ये कह सकते हैं कि दोनों प्रत्याशियों के बीच में कांटे की टक्कर है। लेकिन जिस तरीके से भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का बूथ स्तर का कार्यकर्ता, बूथ लेवल का कार्यकर्ता, पार्टी के लिए जो कार्यकर्ता है, जो पूर्वी का जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, वो काफी मजबूत है। लेकिन जिस तरीके से सरजू राय भी उस पूर्वी विधानसभा में ताल ठोके हुए हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, वैसे ही राज्य के मुख्यमंत्री भी हर सुबह निकलते हैं अपने क्षेत्र में, लोगों से मिल रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। और आज की मैं बता दूं कि आज चूंकि खुदीराम बोस की जयंती है, उसको लेकर आज 10 बजे के आसपास मुख्यमंत्री मानगो जाएंगे, वहां खुदीराम बोस को माल्यार्पण करेंगे। ये हुई पूर्वी की बात। अगर हम पश्चिमी की बात करें तो पश्चिमी में भी काफी कांटे की टक्कर है। अगर कहा जाए तो जो कांग्रेस के प्रत्याशी है बन्ना गुप्ता, इससे पहले विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, इस बार भाजपा ने एक नए कार्यकर्ता को, कहा जाए कि नए चेहरे को, हालांकि वो पार्टी में संगठन से जुड़े हुए थे, देवेंद्र सिंह काफी पुराने कार्यकर्ता है, लेकिन उनको इस बार उतारा गया है। और आजसू जो सहयोगी दल हुआ करती थी एनडीए में भाजपा के साथ, वो भी पश्चिमी विधानसभा में अपने प्रत्याशी दिया। तो ये कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर है। और एक और मैं बता दूं, AIMIM ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है, उनके भी जो प्रत्याशी है वो अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं और अपने भी जीत का दम भर रहे हैं। लेकिन ये तो आने वाला 7 तारीख और 23 दिसंबर को पता चल पाएगा। बिल्कुल प्रभात, ये तो आने वाले 23 दिसंबर को ही पता चल पाएगा कि जनता किसे ताज पहनाती है। तो कहना बहुत मुश्किल है कि किसे जनता किसके तरफ जो है वो ज्यादा रुख कर रही है, लेकिन पूरा नतीजा जो है वो 23 दिसंबर को ही पता चलेगा, जब जनता का जो रुझान है वो निकल कर सामने आएगा।